हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद परविंदर में। आज की वीडियो में एक बार फिर हमारा विषय रहेगा कलर्स यानी कि रंग। रंगों के ऊपर ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने प्राथमिक एवं द्वितीय श्रेणी के रंगों को जाना था। आज की वीडियो में हम जिन रंगों की बात करेंगे वो है माध्यमिक रंग। सबसे पहले जान लेते हैं कि माध्यमिक रंग बनते कैसे हैं। माध्यमिक रंग प्राथमिक एवं द्वितीय श्रेणी के रंगों को मिलाने से बनते हैं। थोड़ा सा इजी वे में अगर हम समझे तो प्राथमिक रंग प्लस द्वितीय रंग ये मिलकर बनते हैं माध्यमिक रंग। आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लाल प्राथमिक रंग है और नारंगी गौण रंग है यानी कि द्वितीय श्रेणी का रंग है। अगर हम इनको मिलाते हैं तो जो रंग हमें प्राप्त होता है वो है लाल नारंगी, जो कि एक माध्यमिक रंग है। यहाँ पर ये जो रंग बना है इसका जो नाम है लाल नारंगी, इसमें लाल शब्द पहले है यानी कि प्राथमिक रंग का नाम पहले लिखा जाएगा और नारंगी शब्द बाद में है यानी कि द्वितीय श्रेणी के रंग का नाम बाद में लिखा जाता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि माध्यमिक रंग बनाने के लिए क्या वास्तव में हमने एक प्राथमिक रंग और एक गौण रंग की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि जो गौण रंग होता है यानी कि द्वितीय श्रेणी का रंग होता है वो दो प्राथमिक रंगों से मिलकर बनता है। नारंगी रंग के अंदर आप देख सकते हैं कि लाल प्लस पीला, ये दोनों रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है। यानी कि जब हम कहते हैं कि नारंगी रंग के अंदर हमने लाल रंग मिला है तो एक्चुअल में हमने लाल और पीले रंग के अंदर एक बार फिर हमने लाल रंग मिलाया है, यानी कि लाल रंग की मात्रा डबल हो जाती है और पीले रंग की मात्रा उनसे आधी रह जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम रंग मिलाते हैं तो जो रंग बनता है वो होगा लाल नारंगी। अब नारंगी रंग के अंदर लाल की जगह अगर हम पीला रंग मिलाएं यानी कि पीला डबल हो जाए तो जो रंग बनेगा वो होगा पीला नारंगी। अब इसको आप यूं भी कह सकते हो कि पीला हमने दोगुना रंग लिया है और लाल उससे आधा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि पीला और नारंगी मिलकर पीला नारंगी बनता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिन रंगों के ऊपर मैंने पी लिखा है उनका मतलब है प्राइमरी रंग यानी कि प्राथमिक रंग। इसके अंदर पीला, नीला और लाल आता है। इसके बाद जिन रंगों के ऊपर हमने एस लिखा है उसका मतलब है सेकेंडरी कलर्स यानी कि द्वितीय श्रेणी के रंग, जिसके अंदर हरा, नारंगी और बैंगनी आता है। अब हम एक प्राथमिक रंग लेते हैं और एक द्वितीय श्रेणी का रंग। प्राथमिक रंग हम यहाँ पर पीला लेते हैं और सेकेंडरी कलर्स यानी कि द्वितीय श्रेणी का रंग हम यहाँ पर हरा लेते हैं। इन दोनों रंगों को मिलाने से जो रंग बनेगा वो होगा पीला हरा, यानी कि पीला प्लस हरा इज इक्वल टू पीला हरा। इसी प्रकार अगर हम पीले के अंदर नारंगी रंग मिलाते हैं तो वो होगा पीला नारंगी। लाल के अंदर अगर हम नारंगी रंग मिलाते हैं तो वो बनेगा लाल नारंगी, और लाल के अंदर अगर हम बैंगनी रंग मिलाते हैं तो वो बनता है लाल बैंगनी। अब आगे नीले के अंदर अगर हम बैंगनी रंग मिलाते हैं तो जो रंग बनेगा वो होगा नीला बैंगनी, और इसी प्रकार अगर हम नीले के अंदर हरा रंग मिलाएंगे तो जो रंग बनेगा वो होगा नीला हरा। इस प्रकार से ये टोटल 6 माध्यमिक रंग हो गए जिनके ऊपर हमने टी लिखा है, ये सारे माध्यमिक रंग है। माध्यमिक रंगों का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और अगर आपका कोई पर्सन है इस टॉपिक से संबंधित या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।